हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं गाइस? घर पर ही होंगे, लॉकडाउन चल रहा है। और एक बड़ी न्यूज़ गाइस, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि लॉकडाउन 4 कंटिन्यू होगा। तो आफ्टर 17 में लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा, तो इसकी डिटेल्स आपको 17 में से बिफोर मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कोई भी पाइथन प्रोजेक्ट या एमएल प्रोजेक्ट या डेटा साइंस प्रोजेक्ट, तो वो सब आप अभी तक लैपटॉप पर ही कर रहे होंगे, या जुपिटर फाइल्स में या ओपन सीवी में या कोई भी पाइथन आईडी में। तो आप वो डायरेक्टली कंप्लीटली एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर लास्ट में मैं एक एमएल का एक वीडियो भी सॉरी एमएल का एक कोर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि फ्री है और विद सर्टिफिकेट मिलता है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा गाइज, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ वो नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, क्योंकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं पीसी में आपको बता दूंगा कि मैं कैसे अपने प्रोजेक्ट करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ एनाकोंडा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपको जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, आर स्टूडियो सब मिल जाएगा। वो ये तीन प्री इंस्टॉल रहेंगे और ये चार आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे आप तक। तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक आपको दिखा देता हूँ। जुपिटर नोटबुक पे आप देख सकते हैं डॉट, हाँ यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक सैम्पल सा प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ आपको, या फिर एक कोई पेज दिखा देता हूँ जुपिटर नोटबुक का। तो ऐसा ही सेम आप अपने स्मार्टफोन पर ओपन कर सकते हैं। तो एक मिनट, ये देखो ये रहा पेज। ऐसा ही सेम पेज आप डायरेक्टली स्मार्टफोन पर ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस एनाकोंडा को अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। ये लिंक होगा, इस पेज पे आपको एंड पे यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। 64 बिट का है, 463 MB का है, और 32 बिट का 423 MB का है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टोटली ओपन सोर्स है एंड फ्री है। तो यहाँ इससे आप कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट यहाँ देख सकते हैं, कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट या मशीन लर्निंग मॉडल्स कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ये सब यहाँ इसमें इंक्लूड होता है। तो सेम चीज़ गाइज मैं स्मार्टफोन पर आपको दिखा दूंगा कि स्मार्टफोन पर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो चलिए मेरे स्मार्टफोन पर चलते हैं। तो ये मेरा स्मार्टफोन का स्क्रीन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कंप्लीट पाइथन आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। तो प्ले स्टोर पर आपको दो ऐप्स इंस्टॉल करने होंगे। एक है पाइथन पाइथ्रॉइड 3, पाई पाइथन 3, इस पर पाइथ्रॉइड करके हुआ पाइथ्रॉइड 3। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और आपको और एक ऐप इंस्टॉल करना होता है, वो है पाइथन रेस्पिरेटरी प्लगइन। तो ये एक अराउंड 100 MB का ऐप है। एक्चुअली ये ऐप नहीं है, ये डेटा है। वो पाइथन पाइथ्रॉइड 3 का बैकग्राउंड डेटा होता है। तो ये कंपलसरी आपको इंस्टॉल करना होगा, वरना वहाँ पर उस ऐप में जुपिटर इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये ऐप आफ्टर इंस्टॉल करने के बाद आपको मेनू में नहीं दिखाई देगा, वो एक ही ऐप दिखाई देगा। तो चलिए वो ऐप इंस्टॉल करते हैं, दिखा देता हूँ आपको। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर नॉर्मल पाइथन
कंपाइलर ओपन हो गया। यहाँ पर आप कोई भी नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो ये लीजिए, तो ये लीजिए हेलो प्रिंट हो गया। तो ये नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम रन करने के लिए हो गया। तो आपको अगर जुपिटर चाहिए तो यहाँ पर जा सकते हैं o3.lines पे, और यहाँ पर PIP पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने का जो सर्च बटन होगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्विक इंस्टॉल पर जाइए। तो टेंशन फ्लो और CV पाइथन ये प्रीमियम वर्जन के लिए अवेलेबल है, चाहे तो ले सकते हैं, वरना इट्स ओके। ये जुपिटर, साइटॉन और मेटाप्लॉइड और नमपाई पांडा ये सब फ्री है। ये सब आपको इंस्टॉल करने होंगे तभी वो आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जुपिटर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये जुपिटर हम यहाँ पर इंस्टॉल करने क्लिक करने के बाद ये याद रखिए गाइज, ये यूज़ प्री बिल्ड लाइब्रेरी ये टिक होना चाहिए। तो चलिए कंप्लीट हो गया, मैसेज आएगा हमको इधर नीचे। तो चले पीछे जाते हैं, फिर आपको यहाँ पर जाना है और टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको इधर जुपिटर, स्पेलिंग ठीक से लिखेगा है, जुपिटर नोटबुक सर्च करना है, नोटबुक लिख के एंटर क्लिक करना है। तो इतना क्लिक करने के बाद आपका जुपिटर नोटबुक जैसे PC पर ओपन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, यहाँ पर क्रोम पे ओपन हो जाएगा या फिर किसी भी आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो आपको एक जुपिटर फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, मेरा यहाँ पर है। तो ये लीजिए, तो ये लीजिए गाइस, एज इट इज़ कैसे PC पर होता है वैसे ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक सेल में आप अपना इनपुट आउटपुट डालकर वेरीफाई आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट डालकर। तो इस पर आप कोई भी ML प्रोजेक्ट या डेटा साइंस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है गैज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप ये इतना जुपिटर में आराम से कर सकते हैं। तो चले, मैं प्रॉमिस किया था कि आपको एक ML का कोर्स देता हूँ, तो चलिए लैपटॉप पर चलते हैं। तो हमने देखा कि कैसे स्मार्टफोन पर हमने जुपिटर इंस्टॉल किया, और अब कोई भी प्रोजेक्ट ML प्रोजेक्ट या डेटा साइंस प्रोजेक्ट हम स्मार्टफोन पर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एक पाइथन ML का कोर्स है, मशीन लर्निंग विद पाइथन, तो ये फ़िलहाल 13th मई तक मेंटेनेंस पे होगा वेबसाइट ये। आफ्टर 13th में 14th मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो तब से आप कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री कोर्स है और इस पर लास्ट को एक एग्ज़ाम होता है, एक घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो आप देने के बाद आप डायरेक्टली अपना सर्टिफिकेट जो है रिलीज़ करवा सकते हैं। तो ये फ्री कोर्स है, ये इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी क्लिक कीजिए, ताकि आप कोई आगे की वीडियोस मिस ना कर सके। और थैंक यू गाइस।